हमें मिर्जापुर के चुनार से, चुनार नगर में प्रदेश से आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का किया गया स्वागत व अभिनंदन समारोह चुनार नगर के अम्बेडकर पार्क सेक्टर में, जिसमें चुनार नगर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष कमर वसीम के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के लोगों ने स्वागत समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें सर्वेश सभासद व महेश सेठ सभासद अमर यादव, कांग्रेस युवा उपाध्यक्ष दीपेन्द्र प्रजापति, अजय गुप्ता, डब्बू मिश्रा, राजीव कुशवाहा, रवि वर्मा, अनिल मिश्रा ने माल्यार्पण कर कांग्रेस सचिव का स्वागत किया तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव इमरान भाई ने युवाओं में जोश भरते हुए बताया कि 70 सालों से हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश बनाने का काम किया जो जनता आंखों के सामने देख चुकी है। यह भाजपा सरकार केवल देश के युवाओं को बेरोजगारी के कगार पर धकेलने का कार्य कर रही है। आज जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो युवा कंपनियों में काम भी कर रहे थे, आज वह भी बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। उन्हें कंपनियों से निकाला जा चुका है। इस समय उनके सामने बेरोजगारी की बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है और युवाओं को बरगला कर उनके सपनों को आडवाणी अंबानी के हाथों में गिरवी रखने का काम कर रही है। बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कोरोना के नाम पर केवल घोटाला, मूलभूत सुविधा जनता को मिल नहीं रही है। युवाओं ने हुंकार भरा कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अगली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसी के साथ युवा साथी सभी लोगों के मान सम्मान बढ़ाते हुए आदर करते हुए सबका अभिनंदन वंदन किया। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका चुनार के सभासद राजेश कुमार राजू ने किया। चुनार से हमारे संवाददाता सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। बस इसमें कारण यही मेरे साथियों कि राज्य सरकार 35,000 रुपया, केंद्र सरकार भी कुछ पैसा दे रही है। हमने पॉजिटिव कर दिया इनको, वसीम अकरम साहब को, कमर को, पता चला इनके नाम पे 37,500 रुपया हमको मिल गया, जोन बन गया इनके नाम पे, सब कुछ हो गया, दवा चल गया, सब कुछ कागज पे चल रहा है, कौन जा रहा है देखने? आप ज्यादा आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सरकार महामारी एक्ट का दुरुपयोग करेगी, आपके खिलाफ मुकदमा लिख देगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जी लल्लू जी, जब से प्रियंका गांधी